नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सी टेट शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आप सबके लिए निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सी टेट के रिजल्ट और दोस्तों आपके जो है एक्स्ट्रा नंबर मिलने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता होगा सी टेट की परीक्षा का आयोजन दोस्तों ऑनलाइन कराया जा रहा है। दोस्तों आपकी पहले एग्जाम होती थी दोस्तों तो एक ही दिन आपकी एग्जाम कराई जाती थी, लेकिन इस बार दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम है वो शिफ्ट में आयोजित हो रही है। तो किसी शिफ्ट का जो पेपर है दोस्तों वो इजी आ रहा है, किसी शिफ्ट का पेपर जो दोस्तों टफ आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों जिन स्टूडेंट को टफ शिफ्ट में एग्जाम आ रहे हैं दोस्तों उनका नॉर्मलेशन भी किया जाएगा, उनको एक्स्ट्रा नंबर भी मिलेंगे, और जिनका पेपर दोस्तों इजी आया है उनके नंबर भी कम होंगे। 90 से कम पर इस बार सी टेट क्वालिफाइड हो जाएगा, और जिन स्टूडेंट को 83 नंबर चाहिए होते हैं दोस्तों उनका जो है सी टेट दोस्तों 80 से भी कम पर दोस्तों जो है सी टेट क्वालिफाइड हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सी टेट को लेकर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा दोस्तों आपकी जो परीक्षा का आयोजन दोस्तों करवाया जाता है, साल में 2 बार एग्जाम होती थी, लेकिन पिछली दोस्तों कोरोना के कारण आपकी परीक्षा अच्छे से आयोजित नहीं हो पाई है। इस बार दोस्तों आपका परीक्षाओं का आयोजन दोस्तों ऑनलाइन कराया जा रहा है, और इसमें दोस्तों नॉर्मलेशन का भी प्रयोग किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलेशन इसमें लगने वाला है। ये देख सकते हैं, फ्यूचर टू इंश्योर फेयरनेस द बोर्ड ऑफ एडप्ट एस्क्योर नॉर्मलेशन प्रोसेस टू अकाउंट टू वेरिएशन इफ एनी डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सीट एंड क्वेश्चन पेपर। तो आपको पता होगा दोस्तों डिफिकल्टी लेवल के दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, काफ़ी सारी से शिफ्ट हैं दोस्तों उनके पेपर टफ रह रहे हैं, और काफ़ी सारी शिफ्ट के पेपर ईजी भी हैं। तो ऐसे में दोस्तों वहाँ पर आपका नॉर्मलेशन किया जाएगा, और नॉर्मलेशन से दोस्तों आपको जो है पेपर का जो लेवल है दोस्तों उसको इक्वल किया जाएगा, यानी कि दोस्तों जिन्हें जो स्टूडेंट टफ शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं उनके नंबर बढ़ेंगे। अगर आपके मान लीजिए 90 में दोस्तों 85 नंबर रह जाते हैं, तब भी दोस्तों आपको जो है नंबरों को इंक्रीज करके 90 के आसपास कर दिया जाएगा, यानी कि सी टेट की पात्रता आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस बार 90 से कम पर भी आपका सी टेट है वो पास होने वाला है। रिजल्ट दोस्तों आपका जो है इस बार दोस्तों 40 दिन से पहले ही दोस्तों रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। सामान्य तौर पर दोस्तों आपका रिजल्ट 45 दिन में आता था, इस बार रिजल्ट आपका जल्द ही जारी किया जाएगा। 15 फरवरी से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, 13 जनवरी को आपकी एग्जाम समाप्त होंगी। हालांकि दोस्तों अपडेट ये भी है कि इस बार जो एग्ज़ाम है दोस्तों उसमें आपको दोस्तों काफ़ी सारे जो है बोनस भी मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बोनस इसलिए मिलेंगे क्योंकि हर शिफ्ट में दोस्तों 1 से 2 पेपर जो होते हैं दोस्तों उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं दोस्तों, या फिर उनके जो ऑप्शन हैं दोस्तों वो गलत होते हैं, तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं और आपको दोस्तों बोनस अंक मिल सकते हैं। जैसे ही आपके पेपर दोस्तों फिनिश हो जाएंगे उसके 2 से 3 दिन बाद दोस्तों आपकी जो है ऑफिशियली जो पेपर हैं दोस्तों वो अपलोड कर दिए जाएंगे, सभी शिफ्ट के पेपर दोस्तों अपलोड किए जाएंगे। उन पेपरों के माध्यम से आप अपने आपने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया उस शिफ्ट के हिसाब से आप दोस्तों ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आंसर की दोस्तों 7 दिन के अंदर जारी हो जाती है सी टेट की परीक्षा समाप्त होने के बाद, उससे पहले आपके पेपर भी अपलोड कर दिए जाएंगे सभी शिफ्टों के। तो दोस्तों आपको कंटिन्यूस जो है अगर आपका सी टेट का एग्जाम आगे है तो आप मुझे अपना जो है कमेंट करके जरूर बताना कि आपने जो एग्जाम दिया है दोस्तों वो टफ शिफ्ट में दिया है, फिर इजी आया था आपका पेपर, और आगे अगर आपका एग्जाम है तो दोस्तों आप अभी से कंटिन्यूस तैयारी करते रहें, क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों में और DBBS विद्यालयों में दोस्तों और नवोदय विद्यालयों में दोस्तों नई जो है टीचर की वैकेंसी दोस्तों आने वाली हैं। तो इस बार जो सी टेट क्वालिफाइड करेंगे वो उसमें जो आवेदन कर पाएंगे दोस्तों, लगभग फरवरी से उसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सी टेट शिक्षा भर्ती की आपको पल पल की अपडेट मिलती रहती है। जय हिंद, वंदे मातरम।